खबरदार जी कोनो बेजाई शब्द तू अपना मुंह से निकल ला। अरे तू हमारा के जानत नहीं खा, हम अपना भाई से कह के तार जवान खिंचवा ले। डैड के नाम भी मतलब अपने मुंह से। हमार डैड से फोन पे सारा बात हो चुकल बा और उनकी रवा शक्ल से नफरत हो गई बा। अब जी हो गई से हो गई, हमार नौकरी वापस मिल गया के बाद हम अपन सारा शक्ति राव बाबूजी के खोज में लगा दे, ये हमार रउआ से वादा बा। हम रउआ के परेशान कहीं नहीं, एकर भरपाई भी हम ही कर, भरोसा रखी। सच तो सचे हो खेला, कितना छिपावे की कोशिश करा, लेकिन एक न एक दिन सामने तो आ ही जाला। तू अपन मन मत छोटा करा, भगवान के शुक्र मनावा कि ये सब पहले ही पता चल गई। अरे ठीक बा कि वो अपना घरे चले ली, ईश्वर के साथ खुशी खुशी रहे लगली, सबका से अच्छा से बात भी करे लगली, बाकी हम भी तो ही छात्र नहीं ना। आखिर रोवे बताई ना, हम ऐसा का कर देनी जिक्र से उनका कि हमरे से इतना परहेज हो गई बा। माता जी, बहन जी, अरे कुछ खाए की मिली? चार दिन से भूखा बनी, कुछ खाए पिए की मिली का? ए माई, भगवान के नाम पे कुछ दे दा। हट, चल जाओ यहाँ से। ऐसा लोग से छुआ छुआ ना कह जाला। क्या बा इंदु? एक मिनट रुकी भैया, तुम अभी लावत है। हाँ भैया। एक मिनट भैया। जी बहन जी। बहन जी, ये तो बहुत ही महंगा कपड़ा हुई, हम ये कपड़ा के कहा करें? भैया, ये सिर्फ देखे में महंगा कपड़ा, बाकी महंगा नहीं के। ये रवा रख ली, घर में एक कपड़ा की कौन जरूरत नहीं की। भगवान तुहार तो दोनों लोगों की जोड़ी सलामत रखे। अच्छा बहन जी, हम चले तनी। हमरा के तो समझे में नहीं खेत कि ऐसा हम का करी कि इंदु और हमार संबंध फिर से पहले जैसन हो जाए। हालांकि हम दोनों तो सहेली रहनी जा, हम दोनों के एक दूसरे के अच्छा से समझे के चाहत रहे, हम दोनों के बीच में गलतफहमी तो पैदा होके के ना चाहत रहे, लेकिन एकर जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं तो हम बानी। शायद हमरे से कोनो गलती भइल बा, ऐसा का करी कि इंदु फिर से हमरा से पहले नियन बात करे लागस, पहले जैसन व्यवहार करस, का करी। इस संबंध में ईश्वर से बात करके देखा था नहीं। हाँ,
ये ठीक रहे। का हमरा के ईश्वर के फोन करे के चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इंदु के कोनो गलतफहमी हो जाए। अभी अभी तो इतना बड़ा कांड भइल बा, कहीं फिर इंदु गलतफहमी के शिकार हो गई तो नाना। अरे आपके समझ में नहीं की आवत की जौन सफर पर इंदु जी चल रहे बानी, उस सफर पर कब तक आप उंगली पकड़ा के उनका के साथ देव? अरे उनका के चले दिन आखे, वो कब तक आपके हाथ पकड़ के आगे चलत रही? अरे कभो ना कभो तो उनके अपन जिम्मेदारी समझने की कोशिश करे दी कि हमेशा बस आपकी उंगली पकड़ के चलत रही हूँ। और आप भी कम से कम अपन ख्याल रखिए और अपना रास्ते पे आगे बढ़िए। हे भगवान, रउआ हमरा के कैसन दिन दिखा रहल बानी जे हमारा दिल के इतना करीब रहे, ओकरे से बात करे खातिर हमरा के 100 बार सोचे के पड़ रहल बा। दीदी जी, रउआ से मिले के खातिर कामिनी दीदी आयल बाड़ी। कामिनी दीदिया अब अच्छा ठीक बा, तू जा हम आवतनी। हम चाहेंगे कि हमारा के बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा से रखे। दरअसल इंदु वो दिन भी जे कुछ भइल। ईश्वर प्लीज हमरा के वो बारे में कोनो बात नहीं की करेंगे। कामनी दीदिया रोवा यहाँ वैशाली, कैसन बाड़ू तू? बस परेशान बाड़ू ना, हम जाने नहीं, इसे हम तारा से मिले खातिर आ गए नहीं। अच्छा कही नहीं, बहुत अच्छा कही नहीं। वैसे भी आज बहुत अकेला और बेबस महसूस करते रहने, रवा के देखनी है तब जान में जान आ गई। सच दीदिया हम जानत रहने शालनी, कहे कि हम थार दुख के कारण समझ रहे बानी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। दीदिया ये सब छोड़ी, पहले रवा ए जा बैठी बैठी। अच्छा दीदिया अभी बताएं कि राउर ऑफिस के का हाल बा? राउर जब मन तो लागे ला ना। हम अपन ऑफिस में बहुत खुश बानी, सब लोग हमार बहुत ख्याल रखेलन। दीदिया ये सब तो ठीक बा, बाकी हमरा ख्याल से रुवा के अब ऑफिस ना जाए के चाहिए, कहे से कि बाबू के नजदीक आवे के टाइम हो गिल बा और राउर तकलीफ भी तो बढ़ गई होगी ना। अरे ना शालनी, हम माँ बनने वाला बानी, कोनो बीमार थोड़े ही ना बानी, हमरा के कोनो तकलीफ नहीं के होत। और वैसे भी इंदु जब से घर वापस आई लिया वो एकदम बदल गई लिया। जाने लू शालनी, वो घर का सारा काम इतना अच्छा से संभाल ले लिया कि हमरा के घर के बारे में सोचे कि कोनो जरूरत ही नहीं के होत। और हम ही का इंदु तो माहे के भी कुछो काम करे नहीं के दे, वो पूरा घर के इतना बढ़िया तरीके से पूरा जिम्मेदारी से संभाल रहल बाड़ी कि तू देखबू तो हैरान हो जाएबू। अच्छा दीदिया, अच्छा बताई ना इंदु खुश तो बाड़ी ना? हाँ शालनी, खूब खुश बाड़ी और अब तो समझदार भी हो गई। ओकरा के आपन जिम्मेदारी
समझ आ गेल बा। ये तो बहुत अच्छा बात बा दीदिया कि उनका के सब कुछ समझ में आ गेल बा। बाकी रू हमरा से अभी तक नाराज बाड़ी। पता नू हमार भावना के हमार सच्चाई के कब समझी हन। ये सवाल तो हमार मन में भी कई बार आयला। ऐसन का बात बा कि इंदु तारा से अब तक नाराज बाड़ी। खैर ये बारे में हम इंदु से जरूर बात करें, तू चिंता मत करा। अरे नाना दीदिया रुवा ऐसन बात भूल के भी मत कहो, ना तो इंदु अगर ये बात के गलत समझ बैठ ली ना तो बनल बात भी बिगड़ सकेला। और दीदिया हमके उनका से कोनो शिकायत नहीं खे, अगर हमरा से दूर रह के खुश बाड़ी तो ठीक बाना। और हम भी तो यही चाहत रहनी कि ईश्वर के साथ खुश रहस, उनकर घर बस जाए। और दीदिया आज वो सब सच हो रहा बा, और ऐसे बढ़ के खुशी के बाद हमरा खाती और का हो सकेला, बोली ना। तू चिंता मत करा शालिनी, सच्चा दोस्ती कभी ना टूटेला। तू देखिया शालिनी ये दूरी से तार दोस्ती और मजबूत होगी, टूटी ना। सच शालिनी पता ना इतना देर हो गई और दीदी अभी तक ना आई ली, उनका क्या ऐसे हालत में काम पर जाए के चाहते ना रहे। इंदु तू इतना परेशान क्या है बारू? देखा ना ईश्वर इतना देर हो गई और दीदी अभी तक ना आई ली। हमार तो मन बहुत घबरा रहल बा। इंदु तू बेकार में चिंता कर रहल बा। अरे दीदिया आ जाई, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी, तू चिंता मत कर। अच्छा ईश्वर तू माई की ट्रेन पे ठीक से बैठा दिला है ना? हाँ माई के ट्रेन में अच्छा से बैठा देनी। अब ऐसा हालत में माई के अकेला जाए देवे के तो मन ना रहे, बाकी का करे, माई तारा ठीक हो गए के खातिर मन्नत मान ले, ऐसे माई के जाए देवे के पड़ल। आ देखा ना दीदिया के डिलीवरी के डेट भी नजदीक आ गई बा, अब कैसे सब कुछ अकेले कर पाए अब समझ में नहीं क्या। ईश्वर तू तो चिंता मत कर, हम बानी ना हम संभाल ले। हाँ इंदु दूसरे मोबाइल के करबा। ईश्वर हमें दीदिया खातिर लेके आई नहीं, वो कहा ना वो इतना देर तक बाहर बाड़ी, हमने क्या उनसे बात भी नहीं कर सकत। अब उनका पास एगो फोन रही तो कम से कम हमने क्या उनसे बात तक कर सके नहीं जा, अब हमने क्या उनकी चिंता करे की भी कोनो जरूरत ना रही। इंदु तू बारू तब हमरा के कोनो बात के चिंता नहीं के, हमरा के विश्वास बा कि तू सब कुछ अच्छा से संभाल लेबू। इंदु हम चाहे नहीं कि तारा के बहुत खुश रखी, बहुत अच्छा से रखी। दरअसल इंदु वो दिन भी जे कुछ भइल। ईश्वर प्लीज हमरा के वो बारे में कोनो बात नहीं की करे के। बुझाता कि इंदु अभी तक वो दिन के बाद से हमरा से नाराज पड़ी। अरे ना इंदु हम एकदम ठीक बानी, तू वहां फोन मत करा। और वैसे भी आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग होके वाला बा, और हमरा के वहां रहल
बहुत जरूरी बा इंदु। लेकिन दीदिया अपन हालत भी तो देखी, पहले के बाद कुछ और है। बाकी ये राउर नवा महीना चल रहा बा, दीदिया ली दूध पी ली। अरे इंदु कहाँ पे दीदिया, वो दर्द हो रहा है बाका। अरे ना ना इंदु, दर्द नहीं क्यों, हम एकदम ठीक पानी। अच्छा ठीक बा, ली ये दूध पी ली। रवा के इतना देर तक खाली पेट ना रह के चाहे दीदिया। अरे हाँ दीदिया, तनी हमके अपना ऑफिस के नंबर दे दी था, हम वहाँ कॉल करके बोल देते नहीं कि रवा आज ऑफिस ना जाए, रवा तबीयत ठीक नहीं है। अरे ना इंदु, हम एकदम ठीक बानी, तू वहाँ फोन मत करा। और वैसे भी आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग होके वाला बा, और हमरा की उहाँ रहल बहुत जरूरी बा इंदु। लेकिन दीदिया अपन हालत भी तो देखी, पहले के बाद कुछ और है। बाकी ये राउर नवा महीना चल रहा बा, और ऐसे हालत में कुछ भी हो सकेला। ऐसे हालत में अगर रवा बाहर जाए तब हमार मन परेशान रही। अरे हम कह रहे बानी ना इंदु, चिंता के कोनो बात नहीं के, हम एकदम ठीक बानी। और एक बात बताएं हम तारा के, ऑफिस जाए से ना हम अपने आप में ज़्यादा फुर्ती महसूस करेंगे और हमरा के अच्छा लगेगा। ऐसे इंदु हमरा के ऑफिस जाएगा, और जे दिन हमारी तबीयत सच में खराब लगी ना वो दिन हम ऑफिस ना जाए, हम छुट्टी कर लें, ठीक बा ना। ठीक बा दीदिया, बाकी रहो अपन ध्यान रखा, ठीक बा। चली जल्दी से दूध पी ली, तब तक हम रहो नाश्ता बना देते नहीं, ठीक बा। हमरा के अपना आप के संभाले के होगी, वरना इंदु और ईश्वर तो हमरा के ऑफिस ना जाए दिए। और ये जरूरी तो नहीं के कि ये वही दर्द हो जेकरा से इस सारा लोग घबरा रहल बाड़े।